मुझे तो पहले काफ़ी तकलीफ थी, 12-13 साल हो गए तो मैं उठ भी नहीं सकती थी, खांसी से शुरुआत हुई थी मुझे। और मैंने काफ़ी दवाई ली, सबके बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई ली, सब ली, मुझे कुछ आराम नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी आपकी दवा से मुझे बहुत आराम है, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी और अब मैं सब काम करती हूँ घर में। और अभी कहाँ बाहर जा के आया? बाहर पिक्चर गए थे जी। नहीं, अभी हम लोग 2-3 पिक्चर भी देख के आए। कितने सालों बाद देखा पिक्चर? बहुत साल बाद। मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला देवी कुशाल का, इनकी उम्र अभी 60 वर्ष की है। करीब 12-13 वर्ष पहले इनको हार्ट की तकलीफ़ हो गई थी। अब हार्ट की तकलीफ़ में भी जो है इनको तकलीफ़ ये होती थी कि सांस वगैरह इनका काफ़ी फूल जाता था, इनको चेस्ट में बहुत पेन होता था, ब्लड प्रेशर इनका इरेगुलर रहता था, ब्रेथलेसनेस जो है वो काफ़ी फील होती थी। अभी चलने फिरने में भी इनको दिक्कत बहुत पड़ती थी, थोड़ा भी ज़्यादा चलेंगी फिरेंगी तो इनको सांस चढ़ने लगता था, और चेस्ट पेन भी इतना होता था कि उनको लेट सकना भी मुश्किल होता था। और जब लेटना होगा तो उस समय तकलीफ़ इनको ज़्यादा बढ़ती थी, तो इसीलिए रात भी जो है वो बैठ के ही जो ज़्यादा करके इनको गुजारनी पड़ती थी। हमने जो है वो शहर के अच्छे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट को हमने इनको बताया, उन्होंने ये बताया कि इनको जो है ना वो कार्डियोमायोपैथी की तकलीफ़ है इनको। इस रोग के लिए इलाज यही है कि भाई इनका जो ना हार्ट ही बदली कर लिया जाए, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो दैट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। तो 1990 में इनका EF जो 55% था, 1994 में चेक कराया वो 45% हुआ, 1996 में 25-30% हुआ। हम लोगों को भी सबको बहुत टेंशन हो गया, चिंता हो गई। 1998 में तो 20% तक भी आ गया वो। हमने जो है डॉक्टर प्रसाद सेठे साहब को, जिनके हम आज भी बहुत आभारी हैं, और डॉक्टर फाल्गुनी खारीवाला जिन्होंने मिलके हमारा इलाज किया, हम आज अपने ज़िंदगी में उनको भूल नहीं सकते हैं उनको कभी भी। जैसे जैसे आराम बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपनी दवाइयाँ एलोपैथिक की कम कर दी, और आज पोजीशन ये है कि हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ टोटली बंद हैं। 2002 में अब जून में हमने इनकी जो है 2DA को निकाली, तो उसमें EF इनका 44% जो है आया। अब हम ये चाहेंगे कि ये जो बीमारी जिसके विषय में डॉक्टरों ने यहाँ तक बताया कि भाई ये ज़्यादा क्योरेबल नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही इसका जो है इलाज है, और वो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी और ट्रीटमेंट के, सिर्फ होम्योपैथिक द्वारा इतना इसका सुधार हुआ, उसे हम होम्योपैथिक दवाई के इनके ट्रीटमेंट के हम बहुत आभारी हैं, और डॉक्टर साहब ने जो हमारे लिए जो प्रयास किया आज हम शायद हम उसको भुला नहीं पाएंगे। होम्योपैथिक इलाज की एक अपने आप में मिसाल है।